रहे स्टार्टर जो आपका ये खराब हो जाता है और ये आपकी समर जो है आपकी चलना बंद हो जाती है, तो कैसे इसको डायरेक्ट चेक करें बिना स्टार्टर के? हम इसको चला के देखते हैं, स्टार्टर में कोई कमी होगी तो बिना स्टार्टर के ये चल जाएगी। तो चलिए सबसे पहले इसका निकाल लेते हैं कैपेसिटर, और कैपेसिटर निकालने के बाद हम इसको डायरेक्ट चेक करेंगे। ठीक है, तो ये सारी की सारी मैंने निकाल लिया, यहाँ पर देखिए सारे तार निकाल लेंगे यहाँ पर। इस प्रकार से ये तीनों तार नीचे के निकाल लेंगे, ऊपर से दोनों ये भी निकाल लेंगे। इतने की ज़रूरत है हमको, केवल हमको ये तीन तार नीचे से निकालने थे, ये वाले जो समर में जाते हैं नीचे की तरफ, और इसके अलावा हमको इसका पूरा स्विच कनेक्शन काट देना था। इसका काम ख़त्म हो गया। चलिए डायरेक्ट करते हैं अब इसको स्टार्ट, देखते हैं कि डायरेक्ट स्टार्ट होगी कि नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, तो ये जो समर से आपका देख रहे हैं आप, ये जो काला वायर है ये बहुत सी समर में पीला वायर होता है, इसको मैंने पीला की जगह काला कर दिया ऊपर जोड़ के यहाँ पे जॉइंट मार के। ठीक है, तो ये जो पीला वाला वायर है ये काला है, इसको हमें डायरेक्ट इस कंडेंसर या कैपेसिटर जो भी आप इसको कहते हैं उसमें आपको इसको जोड़ना है। दोनों को मिक्स कर देना है अच्छे से, और इसके बाद इस लाल वाले को हमें जोड़ देना है दूसरे में। देखिए यहाँ पर इस लाल वाले को दूसरे कैपेसिटर का जो दूसरा जो बचा एक छोर, इसमें भी जोड़ देंगे। ठीक है, इसमें जोड़ देता हूँ मैं तब तक, और ये देखिए जुड़ गया, दोनों जुड़ गए। अब हमारे पास एक तार बचेगा जो समर से आया हुआ ये वाला, और दो तार ये हो गए। चलिए डायरेक्ट करके देखते हैं इसको स्टार्ट, और इसके लिए हमें क्या करना है देखिए मैं दिखाता हूँ आपको करके। इस वाले को हमें डायरेक्ट ये देखिए पावर सप्लाई यहाँ पर ये आ रहा, इससे हम चेक करेंगे। तो एक तार तो हम यहाँ पर इसको ऐसे छुआ देंगे, ठीक है, एक तार ये हो जाएगा आपका, देखिए किसी एक में लगा देते हैं, किसी एक में नहीं मतलब लाल में लगाना पड़ेगा, काले वाले को तो डायरेक्ट जाना है। तो एक लग गया, दूसरे को चलिए टच करते हैं और देखते हैं क्या होता है। देखिए देखिए आप आवाज़ सुन सकते हैं, यहाँ पर पानी आने लगा है। तो देखिए इस प्रकार से आप इसको डायरेक्ट चला सकते हैं।